और तुम्हें बताओ इंडियन कल्चर को सब लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, इसके चक्कर में पूरा भीड़ नीचे चला गया। थोड़ा नजदीक से ना एक्सपीरियंस करने के लिए आया हूँ। और भाई सब देखो ना, एक्चुअली जो हाइप बनाया गया है ना, ये मुंबई का इंडियन स्ट्रीट फूड को दिखाया जा रहा है। तो हेलो जी गाइस, वेलकम 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 टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग में स्वागत है आप लोगों का। तो आज फ्राइडे है, जैसा कि मैं ब्रेक पे था तो खाना भी ना जस्ट ना अभी हुआ है, इसको फेंकना है, कचरा यहाँ पे रखा हुआ है। तो आपको इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले अपन शुरुआत करेंगे कल, कल रात को क्या सिनेरियो हुआ। जब मैं बस में चढ़ रहा था और शूट कर रहा था तो एक केनियन बंदा मेरे को बोलता है वीडियो मत निकाल। आई वॉज लाइक वेरी हंगरी और बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी था। तो बोलते हैं ना, आप जैसी संगत के साथ में रहोगे वैसा आप बनते जाओगे। एंड मुझे है ना ऐसे लोगों का संगत नहीं चाहिए जो मेरे को डिमोटिवेट करे। एंड मैं अपना शूट कर रहा हूँ, अपना खुद का वीडियो निकाल रहा हूँ, तेरे को प्रॉब्लम क्या हो रही है भाई, तेरे को नहीं पसंद है तू मत। पहली बात तो मैं उसको दिखा ही नहीं रहा था, मैं किसी और को शूट कर रहा था। एंड बोलता है कि वीडियो मत निकाल। मैंने भी चढ़ा, उसने भी चढ़ा मेरे ऊपर, मैंने भी चढ़ा उसके ऊपर, बस खाली तू तू मैं नहीं हुआ। आप पहले ये वीडियो का पार्ट देखो। I don't not making your video. अभी भी I'm not making your video. Yeah, that's all. Make video only this guy. Yeah, I'm making this guy only. तो आपने देखा होगा इस वीडियो के पार्ट। चलो छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। अब तो मैं अगला दिन चालू है और मैं यहाँ पर आया हूँ काम पर। और आज हमारे यहाँ पे ना भाई मॉल में भंगड़ा बज रहा है, ढोल ढम 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 बज रहा है। तो मेरे को तो बहुत मजा आया, एक छोटे से पार्ट मैंने निकाला हूँ। तो प्लीज आप देखो और बताओ कैसा लगा। ओके, छोड़ो यार, नेगेटिविटी बनती रहेगी, ये तो होते रहेगा। मगर ऐसे लोग बोलते हैं ना, आप जब कुछ करने जाओगे ना, लोग आपको गिराने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ऐसे लोगों को इग्नोर मारना है। मैं आगे बढ़ता हूँ अपनी लाइफ में। अब ये वीडियो का पार्ट देखो, जो नाच रहे हैं, बहुत मजा आया है मेरे को ना, मतलब कान में सुनने के लिए तरह गए थे भंगड़ा वंगड़ा, तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग देखो। पब्लिक एंजॉय कर रही है वहां का, सब सब आदमी कस्टमर छोड़ के आ रहे हैं, खाली हो रहा है। भाई किधर से आवाज आ रही है वहां पे यार? तुम पड़ा नहीं है? गयो गयो गयो। अरे पंजाबी डांस चालू हो गया, लेने आई। इंडिया का याद आ गया तो मतलब फटाक से वीडियो निकालने आता, मगर है ही नहीं यार, पब्लिक है यहाँ पे कोई और। भाई दूल्हा बन के एक आदमी घूम रहा है और वो देखो पूरा ढोल भी बज रहा है पंजाबियों की तरह। वो देखो माँ कसम। भाई सीरियसली मजा आ गया, ये देखो पता नहीं, एक को तो दूल्हा बना के बैठा था, दूल्हा बना के उसको पगड़ी वगड़ी लगा दी उसको तो। भाई मजा आ गया देख के, तो एक कान तरह दिए थे ये सब सुनने के लिए, बट बहुत अच्छा लगा। थोड़ा नजदीक से ना एक्सपीरियंस करने के लिए आया हूँ। और भाई सब देखो ना, सब ताली बजा रहे हैं वहाँ पे। इधर पे साथ में ना ये नाश्ता दिया था, ये रखा और ये लस्सी दिया था। मैं क्या किया, नाश्ता और लस्सी लेके चले आया। एक्चुअली जो हाइप बनाया गया है ना, ये मुंबई का इंडियन स्ट्रीट फूड को दिखाया जा रहा है। एंड ये जो हाइप है भाई, मुंबई की याद दिला देगा। और इसके अंदर है ना सेम जैसा पूजा पाठ होता है ना, वैसा वाला फूल वगैरह लगा रखा हुआ है। मुंबई स्ट्रीट फूड सही है, मुंबई का कुछ खोल रहे हैं क्या? खुला है इंडियन कुजीन। अच्छा 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 दिख रहे हो। तो ये जो समोसा दिया ना वो लोग ने, उधर पे समोसा फ्री दे रहे थे, तो एकदम सेम टेस्ट लाइक एकदम मुंबई जैसे ही आ रहा है।
और इसके अंदर ब्लैक चेस में भी डाल रखा है तो भाई, और सोने पे सुहागा। सच में बता रहा हूँ, घर की आवाज है, एकदम सेम टेस्ट, स्ट्रीट फूड। तो अब तक का है ना, तीन बैग, दो बैग इधर है, एक बैग इधर है, तीन बैग का कचरा जमा हो गया है। रात तक पता नहीं कितना होगा, 25 के ऊपर ही होगा, क्योंकि ये है अभी फ्राइडे का सीन। अभी जा रहा हूँ मैं फ्रेश अप होके, फिर ड्यूटी ज्वाइन करूँगा। लिटरली अगर मैं कल की बात करूँ ना, मैं बहुत मतलब गुस्सा भी था उससे, क्योंकि वो मेरे को है ना मना कर रहा था। और ये मेरा दिल के करीब है यार, ब्लॉगिंग करना, खुद के बारे में बात करना और बताना। मेरे को एक चीज़ बताओ, आप लोग कैसे अपने अपने मतलब जब निगेटिविटी आती है तो आप लोग कैसे अपने आप को मतलब मोटिवेट रखते हो, और आप लोग कैसे उस प्रॉब्लम को ठीक करते हो, ये मेरे को बताओ। और मैं जाना चाहूँगा, क्योंकि मैं तो भाई ऐसे ही करता हूँ कि मैं उन लोगों को इग्नोर करने लगता हूँ और फिर अपने दिल की बात जो करना है वो बातें करने लगता हूँ। चल भाई फेंकने जा रहा है, अभी कम करने जा रहा है, नहीं तो रात में तो और भर जाएगा। चलो जाते हैं, 5 बजे का स्टाफ भी आ गया। चलो भाई जल्दी जल्दी में। भाई ये लोग पूरा आज मॉल में ही घूम रहे हैं, यहाँ पे देखो पूरा लोग इधर भी देख रहे हैं, सबके सब देख रहे थे। और तुम बताओ, इंडियन कल्चर को सब लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, इसके चक्कर में पूरा भीड़ नीचे चला गया, फिर गए वो लोग वहाँ पे। क्या बोला था? उन लोगों ने दूल्हा दूल्हे को भी रखा हुआ है वहाँ पे, बेचारे को दूल्हे को नचा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पूरा मॉल घुमा रहे हैं। आपको एक चीज बताऊं, ये रात को है ना 10:30 बजे का हाल है, ये 7:30-10 बज रहा है, अभी तक तो ये पूरा भरा हुआ था। भाई जा रहा हूँ मैं उनकी हेल्प करने के लिए फटाक से, मैं वॉशरूम गया था तो पूरा गंदा है वहाँ पे भी, पूरा भरा हुआ है, देखो यहाँ पे भी लाइन लगा हुआ है। तो इसी के साथ में जस्ट नाउ अपना काम पूरा हो गया, फिनिश, एंड वी आर रेडी टू गो होम। बहुत मज़ा आया, एंड सच में बता रहा हूँ लिटरली इतना मज़ा आया, मेरा हाथ अभी भी है ना दर्द कर रहा है, अभी आज ही हाथ दर्द कर रहा है। अब्दुल अब्दुल ना अब्दुल रहमान, कांग्रेचुलेशन मैन। नो सभी टाइम वन सेकंड, सभी टाइम 6 मंथ्स ऑफ दिस वन, कल तो भाई वो केनियन स्टाफ से मेरा तुतू मैं हो गया था। आज कोशिश करूंगा कि भाई किसी के साथ में मेरा तुतू मैं ना हो, क्योंकि झगड़ा करके कुछ मतलब ही नहीं। अगर आप फाइटिंग करते हो तो कंपनी आपको 2 मिनट में टर्मिनेट कर देगी, तो इसका अलग ही सीन है यार। आई डोंट वॉन्ट टू फाइट। एक सीन हो गया, एक रिसेंटली 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते पहले एक ड्राइवर को निकाल दिया यार, वो भी अपने इधर से मुंबई से ही था, उसने एक कुछ दिया चमटा ही दिया, चटांग करके हेडशॉट, ऐसा सीन हो गया। तो ये है डिलीवरी ड्राइवर वाले, और अभी ऑर्डर लेने आए हैं, ऑर्डर मारने जा रहे हैं, ऑर्डर लेने आए आई थिंक ये लोग, फिर जाएंगे डिलीवरी मारने। उल्लू नेपाली बंदा है भाई, नेपाली बंदा। तो गाइस मैं अभी जस्ट अपने अकोमोडेशन पे पहुंचा। पहली बात तो जब मैं पहुंचा ना तो गलती से मैं मतलब ऐसा घबरा गया कि मैं कहीं गलत फ्लोर पे तो नहीं उतर गया। एक मिनट से दिखाता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे जैसे ही घुसो ना पूरा यहाँ पे कपाट रहता है, और जब मैंने अंदर खोल के अंदर आया ऐसे तो ये सारा कपाट यहाँ से हट गया, और ये रहा कुछ सीन ऐसा, इतना क्लियर लग रहा है, मेरे को लग ही नहीं रहा था कि मेरे फ्लोर पर मैं आ गया हूँ, कसम से बता रहा हूँ। और चलो अब तो अच्छी बात है, अब जा रहा हूँ अंदर, देखते क्या सीन है अंदर का, ऐसे तो कुछ होगा तो नहीं फिलहाल। हमने है ना पंचायत 3 का सीज़न स्टार्ट कर दिया है, और बहुत मज़ा आ रहा है। ओह कोई नहीं कोई नहीं भाई, कौन कौन अभी कमेंट करके बता दो भाई, किस किस ने पंचायत सीजन 3 देखना स्टार्ट किया हुआ है। मैंने गुल्लक 4 सीजन 4 पूरा देख लिया, जिसमें 4 एपिसोड थे, बहुत मज़ा आया, पूरा बचपन याद आ गया। और पंचायत में तो भाई कॉमेडी है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ रिकमेंड करूँगा अपना माइंड फ्रेश करने के लिए। कोई लॉजिक नहीं, फुल गाँव का देहाती का जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, पटक के मारेंगे सारे को, तो बहुत अच्छा लग रहा था ये सारी चीज़ें देख कर, थोड़ा माइंड फ्रेश हुआ और अच्छा लग रहा था। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास में
मेरे पास में आपके लिए अभी बताने के लिए कुछ नहीं है। जी हाँ, क्या सीन था आज? कुछ सीन हुआ नहीं, खाली वो पंजाबी लोग आए थे, मस्त ढोलक विलक बजा रहे थे, फुल इंडियन कल्चर को प्रमोट कर रहे थे। एंड जितने भी कुवैतीज थे ना, उन लोग को कोई 5 केडी कोई 2 केडी ऐसा दे रहा था, रख लो करके। एंड वो लोग खुश भी थे, और जब कोई वीडियो की निकाल रहा था ना उनका, वो लोग और जोश के साथ बजा रहे थे, एक और जैसा लग रहा था कि उनके शरीर में एक और जोश आ गया थे, धमक धनक। और भाई मेरे को तो बहुत मजा आया। आई होप सो कि आपको भी देखने मिल गया होगा थोड़ा सा ये वीडियो। हालांकि मैंने ऑलरेडी रील डाल रखा है, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना। बाकी मेरे लाइफ का जो भी अपडेट रहता है तो मैं इस पे इंस्टाग्राम पे देता हूँ मेरे लाइफ का बाकी जो भी अपडेट रहता है मैं तो इंस्टाग्राम पे डालते रहता हूँ। अगर आपको भी कुछ ऐसा लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है तो प्लीज़ फॉलो अप कर लेना। और जैसा कि मैं बताया था कि बैकपैक का क्या सीन है, वैसे कुवैत जैसी कंट्री में आने के लिए या कोई भी अनदर कंट्री में जाने के लिए बैकपैक में क्या होना चाहिए, तो उसके ऊपर अपन बाद में डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं। फिलहाल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके ऊपर वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, तो थोड़ा सबर कर लेना, वेट कर लेना। अभी ईद का माहौल चालू है भाई, डबल पेमेंट का सीन है, तो उसके ऊपर थोड़ा फोकस है। क्योंकि देख लो, अभी रात को मेरे को आके यहाँ पे मेरे को देखो 2:19 हो गया। अब मैं जाऊँगा, फ्रेश अप होऊंगा, नहाऊंगा 3:30 तक, फ्रेश अप विशअप रेडी वीडियो के 3:30 तक मैं सोने जाऊँगा। अब सोने के बाद में उठूंगा सुबेरे, वापस से जल्दी उठ के भागना है। तो ये डेली लाइफ है ना, बहुत बड़ा स्केड्यूल हो जाता है। हालांकि आपको ऐसा, मैं जो बातें कर रहा हूँ ना, आपको थोड़ा ऊपर से जाती होगी, आई अंडरस्टैंड, बट जब आप आओगे ना वो सारी चीज़ें फील करोगे। और जो मेरा परसों का ड्यूटी है, रात को सुबह के 11 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक, फिर यहाँ पे 2:20 पे पहुँचूंगा, सोचो मेरी हालत क्या होने वाली है यार। 12-13 कितना घंटा हो गया, 12-13-14-15 घंटा, 15-16 घंटा, फिर जब सोते सोते वही 4 बज जाएगा। लेट्स सी, होटल से ही बना के खाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही कुछ सीन रहेगा। अगर आपको कुछ सीखने मिला होगा, और आपके साथ में बोलते हैं ना, कभी कभी दूसरे टीम मेंबर का, दूसरे कंट्री के बंदे के साथ में आपका नहीं बनेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका माइंड थॉट अलग है, आपका सोचने का तरीका अलग है, वो क्या बोलना चाह रहा है, आपको क्या समझाना चाह रहा है, तो ये सारी चीज़ें गड़बड़ घोटाला हो ही जाता है। तो उसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, फिलहाल अभी रखते हैं इस ब्लॉग को, करते ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हुई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मज़ा आ गया आज का दिन, मज़ा आ गया भाई। 1250-1300 का जो भी सेल हुआ, मगर मज़ा आ गया। चलो बाय, टेक केयर। अभी रात को 2 बज गए, मेरे को ये वीडियो को भी एडिट करना है, मतलब 4:30 बजे के पहले नहीं सोऊंगा मैं। चलो कोई बात नहीं, जो होगा अच्छा होगा, सीखने मिल रहे हैं। बाय।